फ्रेंड्स, ये LG का फ्रिज है 180 लीटर में, और इसमें ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये छेद इस फ्रीजर में हो गया है। इसमें बर्फ़ जम गई थी बहुत ज़्यादा, तो कस्टमर ने इसको छुरी से बर्फ़ को हटाया, इस फ्रीजर में छेद हो गया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे किस तरह से फ्रीजर में जब छेद हो जाता है तो किस तरह से उसको सही किया जाता है, किस तरह से नया फ्रीजर इसमें फिट किया जाता है, और नया फ्रीजर फिट करने के बाद किस तरह से इसमें गैस डाली जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, अब इस फ्रीजर को बाहर निकालेंगे, इसमें नया फ्रीजर लगाएंगे, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका फ्रीजर निकालने के लिए हमें इसके दो पेंच खोलने होंगे। आप देख पा रहे हैं, एक पेंच ये है और एक पेंच इसका ये है, और ये फ्रेम निकालने के लिए इसके ये पेंच खोलने होंगे। इसका फ्रेम बाहर निकल जाएगा, एक पेंच इसका इधर है फ्रेम का और एक पेंच इधर है। इन पेंचों को खोलने के बाद इसका फ्रीजर बाहर निकलेगा। फ्रेंड्स, इसका फ्रीजर खोलने से पहले हमें इसका जो थर्मोस्टेट है, उस जो एक प्लेट होती है उसके जरिए रुका होता है, उसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। उस प्लेट को बाहर निकालने के बाद हमारी जो थर्मोस्टेट की जो नोब होती है, थर्मोस्टेट में से जो एक पाइप निकलती है वो अलग हो जाएगी। उसके बाद हम इस फ्रीजर को खोलेंगे। देखिए, अब हमने इसकी थर्मोस्टेट इसका निकाल दिया है। अब इसके हम जल्दी से पेज खोल के आपको दिखाते हैं कि फ्रीजर किस तरह से बाहर आता है। इसके मैं जल्दी से पेज खोल देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसके पेंच हमने खोल दिए हैं और आप देख पा रहे होंगे ये फ्रीजर जो है पूरी तरह से नीचे झुक गया है। अब इसमें फ्रेंड्स जो दो पाइप होती हैं, क्योंकि इसकी पाइप कैपिलरी और पाइप दोनों बॉडी के अंडरग्राउंड होती है, बॉडी के अंदर से निकलती हैं। अब हमें इसकी पहले कैपिलरी काट के और इसकी जो पाइप है सक्शन वाली उसको काटेंगे, उसके बाद हमारा फ्रीजर बाहर आ जाएगा। ये इसकी सक्शन पाइप है और ये इसकी कैपिलरी है। इन दोनों पाइपों को काटना है, और काटने के बाद हमारा जो फ्रीजर है वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि इसमें अंदर ही टांका लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो सक्शन वाली पाइप और कैपिलरी जो होती है वो बॉडी के अंदर से निकली हुई होती है, इसलिए हम इसका फ्रीजर जब नया लगाएंगे तो इसमें अंदर ही हमें ब्रेजिंग करनी होगी। तो दोस्तों, ये देखिए इसका फ्रीजर है, और इसमें मैंने आपको दिखाया था कि इसमें छेद हो गया है। देखिए, आप सही से देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसमें छुरी से या पेचकस से कस्टमर ने इसको बर्फ़ छुटाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से इसमें छेद हो गया है। और अब हम इस फ्रीजर की जगह, वैसे इसमें टाका भी लग सकता है फ्रेंड्स, ये LG का लेकिन 1 फ्रीजर है, नया फ्रीजर है। अब हम इसको लगाएंगे। यह पुराना फ्रीजर है जिसमें छेद हो गया था, मैंने आपको दिखाया था। अब इस फ्रीजर की जगह हमें ये फ्रीजर फिट करना है, तो इसमें हमें पहले कैपिलरी, हम इसकी कैपिलरी बदलेंगे, कैपिलरी पहले फिट करेंगे। कैपिलरी फिट करने के बाद इसका टांका अंदर ही लगेगा, और सारी जानकारी आपको इसमें दिखाएंगे। ये देखिए 031 की कैपिलरी है, ये कैपिलरी हम इसमें लगाएंगे। 031 की 8 फिट कैपिलरी है दोस्तों ये। इस कैपिलरी को हम इस फ्रीजर में लगाएंगे और इसको पीछे छेद करके फ्रिज में निकालेंगे, क्योंकि उस कैपिलरी में पानी चला गया होगा। फ्रीजर में छेद हो जाता है तो कंप्रेसर में पानी जाने की संभावना रहती है, कैपिलरी में चौक होने की संभावना रहती है, इसलिए हम इसकी कैपिलरी चेंज कर देंगे, फिल्टर भी चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कैपिलरी की ब्रेजिंग बाहर ही कर लेंगे फ्रीजर में। कैपिलर की ब्रेजिंग करने के बाद हम इस फ्रीजर को फ्रिज में फिट करेंगे, और जो उसकी सक्शन वाली पाइप है उसकी ब्रेजिंग अंदर ही करेंगे। इसलिए हम पहले कैपिलरी की ब्रेजिंग बाहर कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें कैपिलरी इसकी बदलनी है, नई कैपिलरी लगानी है। मैं इसकी कैपिलरी की ब्रेजिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम अंदर इसकी ब्रेजिंग करेंगे सक्शन लाइन की।
देखिए फ्रेंड्स, कैपलरी की ब्रेजिंग हमने कर दी है और कैपलरी निकालने के लिए हमने एक छेद सामने फ्रिज में कर दिया है और ये हमने फ्रीजर में जो सक्शन लाइन आती है कंप्रेसर से उसका ब्रेजिंग कर दिया है। ब्रेजिंग हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि इसमें ब्रेजिंग बड़े ध्यान से करना होता है कि हमारी जो फाइबर है प्लास्टिक है फ्रिज की वो ख़राब ना हो। हमने इसमें बहुत अच्छे से इसकी ब्रेजिंग कर दी है। अब हम इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से इसमें गैस चार्ज करते हैं, क्या प्रोसेस है गैस चार्ज करने का और गैस चार्ज करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां। फ्रेंड्स, जब फ्रीजर में लीकेज हो जाए उसका फ्रीजर चेंज करते समय हमें गैस चार्जिंग करने से पहले बहुत से ऐसे काम हैं जो करना बहुत ज़रूरी होता है। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से फ्रीजर फिट करने के बाद आपको दिखाएंगे कि हमें गैस चार्ज करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। देखिए हमारा जो फ्रीजर है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है और इसकी जो थर्मोस्टेट की जो नोब है पीछे पाइप होती है उसको भी हम लगा देते हैं। अब देखिए चलते हैं पीछे फ्रिज की तरफ। अब हम पीछे फ्रिज की तरफ आ गए। हमने फ्रीजर का आगे फ्रिज में जो फ्रीजर का काम था वो कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए हम सबसे पहले कंप्रेसर का ये ढक्कन हटा देते हैं जो पानी के लिए ढक्कन लगा होता है, हमें ढक्कन हटा दिया है। अब उसका जो ये फिल्टर आप देख पा रहे होंगे, इस फिल्टर को हमें निकालना है। ड्रायर जो है उसको ड्रायर भी बोलते हैं, इसको हमें निकालना है और इसकी जगह नया ड्रायर लगाना है। अब हम जो इसकी डिस्चार्ज लाइन है कंडेंसर की जो लाइन है जिसमें फिल्टर लगा होता है उसको काट देंगे ट्यूब कटर की सहायता से। देखिए हमने इसको ट्यूब कटर की सहायता से इसको काट देंगे। काटने के बाद जो ये ड्रायर है जो फिल्टर है उसको निकाल देंगे और इसकी जगह दूसरा नया फिल्टर हम लगाएंगे। फिल्टर लगाने से पहले दोस्तों जो कंडेंसर है ये इसका जो जाल है इसको अच्छे से फ्लैश करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जब फ्रीजर में छेद हो जाता है तो कुछ मॉइस्चर सारे सिस्टम में आ जाती है, पानी भी सिस्टम में आ जाता है फ्रीजर के ज़रिए क्योंकि वो सक्शन जो उसकी शक कर लेता है कंप्रेसर। तो आप कभी भी जब भी फ्रीजर चेंज करें तो इसका कंडेंसर अच्छे से फ्लैश कर लें और कैपलरी हमेशा नहीं लगाएं और ड्रायर ज़रूर बदल दें दोस्तों। अब देखिए हम NRV की पाइप भी काट रहे हैं और हम फ्रिज को कंप्रेसर को स्टार्ट करके चला के इसका हम पहले जो है कंडेंसर को फ्लैश करेंगे। देखिए हमने कंप्रेसर चला दिया है, आप देख पा रहे होंगे कंडेंसर में से तेल निकल रहा है। देखिए हम इसको दबा के आपको दिखाते हैं। देखिए हमने इसको दबाया तो दबाने के बाद आप देखेंगे इसमें से कुछ ऑयल और कुछ पानी देखिए आप देख पा रहे होंगे धुआं टाइप का निकल रहा है। तो अब हम इस कंडेंसर को अच्छे से फ्लैश करेंगे। कंडेंसर फ्लैश करने के लिए हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे कंडेंसर को गर्म करेंगे अच्छे से। देखिए हमने कंप्रेसर को गर्म करना शुरू कर दिया है, इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे ताकि इसमें जितना भी ऑयल या मॉइस्चर जो भी है वो निकल जाए। आप देख पा रहे हो जैसे हमने इसको हीटअप किया इसमें से ऑयल निकल रहा है और मॉइस्चर भी उसके साथ आ रहा है। तो हम कंडेंसर को दोस्तों आप अच्छे से साफ़ कर लें, जितनी अच्छी फ्लैशिंग अच्छे से जब फ्लैश सिस्टम हो जाता है तो उसमें गैस चौक होने की संभावना ना के बराबर रहती है, गैस चौक नहीं होती है। देखिए हमने इसको अच्छे से कंडेंसर को साफ़ कर दिया है। अब हम इसमें कापर का पाइप लगाएंगे, कापर के पाइप पर छोटा सा एक टुकड़ा लगाएंगे। फिल्टर जहाँ हमें लगाना है फिल्टर वहाँ पर हम कापर का टुकड़ा लगाएंगे। दोस्तों कापर का टुकड़ा हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि कंडेंसर जो होता है वो लोहे का होता है और लोहे पे और कापर पे हमारा जो ड्रायर होता है फिल्टर होता है वो कापर का होता है, उस पर टाँका लगने में कई बार दिक्कत होती है। इसलिए हम पहले एक कॉपर का क्वार्टर का पाइप का एक टुकड़ा लगा देते हैं ताकि हमें कंडेंसर लगाएं तो उसमें लीकेज की कोई संभावना ना रहे। देखिए हम पहले इसमें एक कॉपर का क्वार्टर का एक टुकड़ा पाइप का लगाएंगे, उसकी हमने ब्रेजिंग कर दी है और ब्रेजिंग करने के बाद इसके अच्छे से ब्रेजिंग कर देंगे। अच्छे से ब्रेजिंग होने के बाद हम इसमें इसमें ड्रायर फिट करेंगे, ड्रायर की ब्रेजिंग करेंगे
और दोस्तों ब्रेजिंग करते समय आप विशेष ध्यान रखें कि ब्रेजिंग में जल्दबाजी ना करें। ब्रेजिंग जितनी अच्छे से हो जाएगी उसमें फिर लीकेज की संभावना नहीं रहेगी, और लीकेज नहीं होगा तो हमारी जो गैस है जब हम गैस इसमें फिलअप करेंगे तो वो हमारी वेस्ट नहीं होगी। अब देखिए हम इसमें NRB लगाएंगे, जहाँ पे इस कंप्रेसर में NRB लगा था उस NRB को हम बाहर निकाल देंगे और इसमें नई NRB लगाएंगे। आप बने रहिए वीडियो में क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फ्रीजर फिट करने के बाद जो सावधानियाँ होती हैं वो हमें ज़रूर बरतनी चाहिए, नहीं तो हमारे सिस्टम में चॉकिंग की संभावना रहेगी और सही से ब्रेजिंग नहीं हुई तो लीकेज की संभावना रहती है। इसलिए अच्छे से आप ब्रेजिंग करें, अच्छे से सिस्टम को फ्लैश करें। हम आगे आपको दिखाएंगे कि हम इसको नाइट्रोजन से फ्लैश करेंगे। अभी हमने इसका कंडेंसर तो डायरेक्ट कंप्रेसर से फ्लैश किया है। देखिए NRB का जो टुकड़ा था पाइप का, जो पुराना टुकड़ा था वो हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें NRB लगाएंगे, नई NRB लगाएंगे, और नई NRB लगाने के बाद उसकी अच्छे से ब्रेजिंग करने के बाद हम आपको दिखाएंगे आगे हमें क्या क्या सिस्टम इसमें करना होता है, क्योंकि हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। दोस्तों बने रहें आप वीडियो में। NRB की ब्रेजिंग करने के बाद हम इसकी सक्शन लाइन को भी बाहर निकालेंगे। सक्शन लाइन का जो कांटा कंप्रेसर के साथ लगा हुआ है उसको, उस पाइप को भी हम बाहर निकालेंगे। उसका कारण भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब सिस्टम में फ्रीजर में लीकेज होती है, फ्रीजर में किसी भी तरह से छेद हो जाता है तो सारे सिस्टम में ऑयल और मॉइस्चर आने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए हम इसका सक्शन वाला पाइप निकालने के बाद हम इसको भी नाइट्रोजन लगा डाल के अच्छे से फ्लैश करेंगे, क्योंकि हमने कैपिलरी बदल दी है। सक्शन लाइन बॉडी के अंदर से होती है, इसलिए हमने सक्शन लाइन चेंज नहीं की है। इसलिए हम सक्शन लाइन को भी बाहर निकाल दिया है ताकि हम जब नाइट्रोजन से इसको डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। अब देखिए अब हम इसमें ड्रायर लगाएंगे, नया फिल्टर लगाएंगे। दोस्तों फिल्टर आप जब भी लगाएं तो अच्छी क्वालिटी का लगाएं, अच्छी कंपनी का लगाएं, इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जरा सी असावधानी पूरे सिस्टम में परेशान कर देती है और हमने जो मेहनत की है वो हमारी सब मेहनत ख़राब हो जाती है। देखिए हमें इसका जो वैक्यूम करना है वैक्यूम पंप से करना है या कंप्रेसर के द्वारा करना है, इसलिए हमने इसका जो ड्रायर का फिल्टर का जो दूसरी पाइप लगाने का सिस्टम होता है उसको हमने प्लास से पंच कर दिया है। अब हम इसमें ड्रायर की ब्रेजिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड ड्रायर की ब्रेजिंग करने के बाद अब हम इसमें कैपिलरी की ब्रेजिंग करेंगे। और दोस्तों कैपिलरी की ब्रेजिंग करते समय मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जब भी आप कैपिलरी की ब्रेजिंग करें, कैपिलरी और ड्रायर का टाँका लगाएं, तो आप पहले ड्रायर को अच्छे से गर्म करें, ड्रायर को अच्छे से गर्म कर लें, बिल्कुल लाल कर लें, उसके बाद ही बिलो लैम्प को आप कैपिलरी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि कैपिलरी हल्की होती है, पतली होती है, ड्रायर हमारा मोटा होता है, इसलिए ड्रायर को हमें पहले गर्म करना होता है, उसके बाद हमें कैपिलरी की साइड ब्लोअर को लेके जाना है, उसके बाद ही ब्रेजिंग इसमें करनी है। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स हमारी कैपिलरी की ब्रेजिंग हो गई है, कैपिलरी की ब्रेजिंग अच्छे से हो गई है। अब दोस्तों हम इसको, इसकी जो लीकेज है उसको भी हैंड टू हैंड चेक कर लेंगे। हमने फ्रिज का कंप्रेसर चला दिया है और जो सक्शन लाइन है इसकी जो फ्रीजर से आ रही है उसको हमने दबा रखा है ताकि हम इसकी लीकेज चेक कर पाएँ। हम इसकी लीकेज चेक हैंड टू हैंड करते रहेंगे ताकि कहीं भी हमारा अगर टाँका लीक होगा तो हम उसको दोबारा से ब्रेजिंग करते हैं, लेकिन हमारे सभी टाँके सही हैं, कहीं लीकेज नहीं है। उसके बाद हम सक्शन लाइन की ब्रेजिंग भी करेंगे और फिर हम नाइट्रोजन डाल के पूरे सिस्टम को फ्लैश करेंगे और उसकी लीकेज भी नाइट्रोजन डाल के चेक करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा जो लीकेज कहीं नहीं है, पूरा सिस्टम में जो भी हमने टाँके लगाए हैं और
और जो पहले से एक डिस्चार्ज लाइन का टाँका लगा हुआ था कंप्रेसर के साथ, उसको भी हमने चेक कर लिया। अब हम इसकी सक्शन लाइन की ब्रेजिंग कर देते हैं। सक्शन लाइन की ब्रेजिंग करने के बाद हम इसमें नाइट्रोजन से फ्लैश करके इसको नाइट्रोजन डाल के इसकी सारे टाँकों की फिर से लीकेज चेक करेंगे। उसके बाद ही दोस्तों हम इसमें गैस का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए हम अभी सक्शन लाइन की ब्रेजिंग कर देते हैं। सक्शन लाइन की ब्रेजिंग करते समय आप विशेष ध्यान रखें कि पाइप हमारी कम से कम 2 इंच अंदर जानी चाहिए, उसके बाद ही ब्रेजिंग करें। फ्रेंड्स हमारी सक्शन लाइन की ब्रेजिंग भी हो गई है। अब हमने देखिए नाइट्रोजन का ही सिलेंडर लगा दिया है और इसमें नाइट्रोजन डालने के बाद हम इसकी अच्छे से लीकेज चेक करेंगे। लीकेज चेक करने के बाद हम पूरे सिस्टम को वैक्यूम पे लगाएंगे, उसके बाद ही गैस चार्ज करेंगे। देखिए हमने इसमें नाइट्रोजन डाल दिया, हमारा मीटर शो कर रहा है 30 पाउंड के आसपास, 30 PSI के आसपास हमने नाइट्रोजन इसमें डाल दी है। और नाइट्रोजन डालने के बाद हम इसकी लीकेज चेक करेंगे। सारे टाँके जो हमने लगाए हैं वो, और जो पुराना टाँका एक डिस्चार्ज का लगा हुआ है वो डिस्चार्ज लाइन वाला, सारे टाँके चेक करने के बाद ही हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। दोस्तों देखिए हमने इसमें 30 PSI लगभग नाइट्रोजन डाल दी है। और नाइट्रोजन डालने के बाद हम इसके सारे टाँके प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि हमारा कोई टाँका जो हमने ब्रेजिंग किया है वो कहीं लीक तो नहीं है। देखिए पहले हम NRV से स्टार्ट करते हैं, हम सारे टाँके इसके अच्छे से चेक कर ले। दोस्तों आप भी जब ब्रेजिंग करें तो अच्छे से सारे इसके टाँके चेक कर लें। ये हमारी डिस्चार्ज लाइन का टाँका है जो पहले से लगा हुआ है, उसको भी हम चेक कर लेंगे। ड्रायर पे हमने टाँके लगाए थे उसको भी हम चेक कर लेंगे। लीकेज अच्छे से चेक करें दोस्तों, क्योंकि लीकेज यदि कहीं सिस्टम में लीकेज रह जाती है तो हमारी गैस का नुकसान होगा, गैस वेस्ट होगी, और जितना समय हमने लगाया है वो समय हमारा सब वेस्ट जाएगा। इसलिए अच्छे से लीकेज चेक करनी है, लीकेज सिस्टम में कहीं नहीं होनी चाहिए सारी लीकेज अच्छे से चेक करने के बाद ही हम इस सिस्टम को वैक्यूम पर लगाएंगे। देखिए हमारे जो भी हमने ब्रेजिंग की है सारे टाँके सही लगे हुए हैं, कहीं भी सिस्टम में लीकेज नहीं है। ड्रायर पे भी हमने चेक कर लिया, NRV जो हमने लगाई थी उस पर भी हमने चेक कर लिया, डिस्चार्ज लाइन जिसका टाँका पहले से लगा था उस पर चेक कर लिया, सक्शन लाइन हमने निकाल के दोबारा लगाई थी इस पर, देखिए हम चेक कर रहे हैं इस पर भी कहीं लीकेज नहीं है। हमारा लीकेज प्रॉपर तरीके से सही है। अब हम इस नाइट्रोजन निकालने के बाद हमने इसको सिस्टम को देखिए वैक्यूम पर लगा दिया है। आप देख पा रहे होंगे इसकी सुई -30 HG तक जब जाएगी तभी हम कंप्लीट वैक्यूम समझेंगे। देखिए इसका -30 HG तक हमारी जो मीटर की सुई है वो चली गई है, यानी कि हमारा जो वैक्यूम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए हम इसमें R134 गैस फ्लोरॉन R134 गैस का यूज करेंगे। हमने देखिए सिलेंडर का वाल्व खोल दिया है और हम पहले मीटर के पास से चार्जिंग लाइन को थोड़ा सा लूज करेंगे ताकि उसमें जो भी एयर है चार्जिंग लाइन में वो निकल जाए। उसके बाद ही हम इसका वाल्व खोल के फ्रिज के अंदर गैस स्टार्ट करेंगे। हमने देखिए इसकी जो एयर थी थोड़ी सी निकाल दी है गैस, ताकि जो एयर चार्जिंग लाइन के अंदर होती है वो निकल जाए। अब हम इसमें अभी हमने फ्रिज को स्टार्ट नहीं किया है, कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं किया है, हम लगभग 30 से 35 PSI जो गैस है इसको ऐसे ही डाल देंगे। उसके बाद इसका वैक्यूम हम तोड़ेंगे, उसके बाद गैस डालने के बाद गैस हम इसमें डाल रहे हैं। देखिए हमने गैस डाल दी इसमें 30 PSI लगभग। अब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें पहले इसका वैक्यूम तोड़ना होता है गैस के जरिए। लगभग 40 PSI हमने गैस इसमें कर दी है और हमने अपना फ्रिज का कंप्रेसर अभी स्टार्ट नहीं किया है। 40 PSI इसमें गैस पहुँच गई है। अब हम इसका कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे, यानी फ्रिज स्टार्ट करेंगे। हम फ्रिज का प्लग लगाते हैं, देखिए हमने अपने बोर्ड में फ्रिज का प्लग लगा दिया है। अब हम इसको ऑन करेंगे और देखिए जैसे ही हम ऑन करते हैं वैसे ही हमारा
जो मीटर है उसकी सुई नीचे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंप्रेसर हमारा चल गया है। तो देखिए आप, इसकी जो सुई है वो नीचे को आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें धीरे धीरे गैस डालेंगे दोस्तों, इसमें लगभग 10 से 12 PSI गैस डालेंगे हम। देखिए इसका जो कंडेंसर है, जो जाल है, वो गर्म होना शुरू हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें गैस हमने डाल दी है और लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 10 PSI गैस इसमें है और हम इसमें 10 PSI ही गैस रखेंगे, 10 से 12 PSI गैस रखना चाहिए। R134 गैस है इसमें। और चलिए हम आपको अंदर इसमें दिखाते हैं, फ्रीजर में कूलिंग की क्या स्थिति है। ये देखिए, ये पूरा पानी देखिए जम गया है। हमने आपको दिखाने के लिए इसमें पानी डाल दिया था। वैसे भी इसकी टेस्टिंग यही है कि आप पानी डाल दें इसमें, और पानी यदि जम जाता है तो आपकी गैस ओके हो गई है। और गैस हमेशा 10 PSI या 12 PSI डालें। तो दोस्तों इस तरह से यदि आपके फ्रीजर में लीकेज हो जाती है तो आप फ्रीजर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को पुश करना, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अपने चैनल पे फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन, डीप फ्रिज, मिक्सी, कूलर, पैन, माइक्रोवेव, इंडक्शन, सभी चीज़ की वीडियो डालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।